राष्ट्रीय परशुराम परिषद उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेश मिश्र ने प्रयागराज में हुए ब्राह्मण परिवार के नरसंहार की तीव्र भर्त्सना करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 72 घंटे में इस घटना का खुलासा नहीं हुआ तो दोषियों के गिरफ्तार अगर उनको नहीं किया गया तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल प्रशासन कतई न करे। शीघ्र ही राष्ट्रीय परशुराम परिषद का प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से एवं मृतक परिवारों के संबंधितों से भेंट करेगा। जय श्री परशुराम। मैं महेश मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय परशुराम परिषद उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज प्रयागराज महानगर में थाना नवाबगंज के अंतर्गत एक ब्राह्मण परिवार की हत्याकांड का मामला सामने आया। बहुत ही नृशंस हत्या की गई है और जिसको सुन के आत्मा हृदय विदीर्ण हो गया है। ये हो क्या रहा है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर 100 घटनाओं में से 70 घटनाएं 75 घटनाएं सिर्फ ब्राह्मणों के साथ ही क्यों घट रही हैं? हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी क्यों समझा जा रहा है? अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है और राष्ट्रीय परशुराम परिषद इस घटना की तीव्र निंदा और कड़ी भर्त्सना करता है। और मैं प्रयागराज प्रशासन से, प्रयागराज के SSP से ये कहना चाहता हूँ, इसको चाहे वो चेतावनी समझ लें या आग्रह समझ लें, अगर 72 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा नहीं किया गया तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद सड़कों पर उतरेगा और एक जोरदार आंदोलन करेगा। अपने हक की लड़ाई को लड़ना हम जानते हैं, हमें मालूम है हम हक कैसे ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा धैर्य, हमारी सहनशीलता है कि हमको शासन और प्रशासन के ऊपर भरोसा है, लेकिन अब वो शायद भरोसा टूट रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, 72 घंटे के अंदर अगर खुलासा नहीं किया गया और दोषियों को नहीं गिरफ्तार किया गया तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर आंदोलन करेगा और प्रयागराज के अंदर धरना और घेराव करेगा और इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री परशुराम।